राहुल गांधी के नामांकन प्रपत्र को जिला निर्वाचन अधिकारी ने वैध पाया है। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए नामांकन खारिज करने की अपील की थी। इस मसले पर सोमवार को सुनवाई हुई। राहुल के वकील राहुल कौशिक कोर्ट में पेश हुए। प्रपत्रों की जाँच के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। राहुल गांधी पे आपत्तियां लगी हुई थी सर, क्या हुआ? राहुल गांधी जी के नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की गई, जो आरोप लगे हुए थे उनके सापेक्ष उनको सुना भी गया, उनका नामांकन पत्र सही पाया गया, उसको स्वीकृत कर दिया गया। सर, नागरिकता को लेकर जो आपत्ति जताई गई थी 2006 के दस्तावेज पेश किए थे, उन पर क्या रोक लगा? देखिए, नागरिकता के संबंध में उन्होंने अपने दोनों लोगों ने अपने पक्ष विपक्ष में कागज प्रस्तुत किए थे, लेकिन रिटर्निंग अफसर के रूप में मुझको इसका क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है कि मैं नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा के दौरान इस विषय पर अपना कोई निर्णय सुना सकूँ। क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण उसको अस्वीकृत कर दिया गया। एक पांचों पक्ष भी आया सर, वो कह रहा है कि उनको उनको निर्णय सुना गया, हाईकोर्ट में उनका मामला लंबित है। आप सब लोग जानते हैं कि समीक्षा के लिए दिनांक 20 तारीख की डेट थी। 20 तारीख की डेट पर ही जिसको आक्षेप करना था वो उसको आना चाहिए था। अब वो किस मामले में है, कैसे हैं, मैंने हाईकोर्ट ने सरकार को बोला है कि वो उस पर जाँच करें और बिना उनकी सुनवाई किए आपने मेरे सामने जब वो ले आएंगे तभी तो सुना जाएगा। उनका कहना है कि वो अंदर आए थे लेकिन उनके मामले की नहीं सुनवाई हुई, उनको बाहर कर दिया गया। जिन लोगों ने आक्षेप पहले लगाए थे और जो अभ्यर्थी राहुल गांधी के जो अधिवक्ता हैं, पहले से उस विषय पर स्वीकृति बहस होनी थी, उनको सुना गया। आपत्ति दाखिल होने के बाद मौके पर मौजूद राहुल गांधी के अधिवक्ता राहुल कौशिक ने आरोप से आरोपों का खंडन करने के लिए 2 दिन का समय मांगा था। अधिवक्ता के अनुरोध पर आरओ ने स्थगन आदेश जारी करते हुए आरोपों के संबंध में अंतिम सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे का समय नियत किया था। 5 साल ही होते हैं, जो कंपनी 2009 में बंद हो गई उसके बारे में को कागज आप कहां से लाए, ना तो आप ये बताते कहां से लाए हैं, वो कागज मान्य नहीं। ये हमने निवेदन किया था। कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब इनके फॉर्म ब्लैंक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये निर्णय आपके सामने है, रिटर्निंग ऑफिसर सामने ही माना है कि जो भी फॉर्म 26 के कॉलम है सब सही पाए गए हैं, इसलिए उन्होंने इसके बेसिस पे हमारा नामांकन सही माना है, राहुल गांधी जी का नाम सही माना है। ये जितनी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं वो सब गलत हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने जो भी जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट फैक्ट्स आम जनता के सामने लाएं, जिससे वोटर को सही बात पता लगे और वो न्याय हित में होगा, ऐसा मेरा मानना। धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 अप्रैल को 4 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। शनिवार को नामांकन पत्र की जांच के दौरान बहुजन मुक्ति पार्टी के अफजाल वारिस, निर्दलीय ध्रुवलाल, सुरेश कुमार शुक्ल और सुरेश चंद्र यादव ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष लिखित आपत्तियां दाखिल कराई। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी का नामांकन पत्र अवैध घोषित करने की मांग की थी। चारों आपत्तिकर्ताओं ने राहुल गांधी की नागरिकता, उनकी एमफिल की डिग्री और उनके दर्ज नाम में अंतर, एमफिल की डिग्री से पहले की शैक्षिक योग्यता के कॉलम में संस्थान का नाम नहीं डालने, शपथ पत्र में लगे स्टैंप को दिल्ली से खरीदने और चल संपत्ति के कॉलम को रिक्त कर रखने के साथ ही नामांकन पत्र में ब्रिटेन की उनकी कंपनी की प्रॉपर्टी शो नहीं करने का आरोप लगाया था। अमेठी से शरद की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।